मलीन हीन मैं राधे दीन मलीन हे राधा रानी जो ये दीन मलीन हीन शरीर मुझे अपने हीन मैं राधे दीन मैं राधे दीन मैं राधे राधे हाथ मेरे सर पे धरो राधे हाथ मेरे राधे स्वामिनी कृपा करो राधे स्वामिनी कृपा करो कृपा करो श्यामा कृपा करो करो श्यामा कृपा करो कृपा करो राधे कृपा करो कृपा करो राधे कृपा करो राधे स्वामिनी कृपा करो करुणामयी सरकार लाडली करुणामयी सरकार लाडली वो करुणामयी सरकार लाडली करुणामयी सरकार लाडली सरकार लाडली सरकार लाडली राधे राधे के अवगुण चितना धरो राधे के अवगुण चितना धरो राधे स्वामिनी कृपा करो राधे स्वामिनी कृपा करो कृपा करो राधे कृपा करो कृपा करो राधे कृपा करो कृपा करो श्यामा कृपा करो कृपा करो राधे कृपा करो कृपा करो श्यामा कृपा करो राधे स्वामी कृपा करो राधे राधे स्वामी कृपा करो कुंज निधि बन की सेवा कुंज निधि बन की सेवा अच्छा हाथ खड़ा करें नहीं बात तो सुन लो हाथ वो खड़ा करें जो वृंदावन गए हैं बहुत सब लोग बहुत अच्छी बात आप बहन जी गए नहीं आप सब लोग गए नहीं चलो बबलू भैया से मैं बोलूंगा शेखावत जी से आप सबको लेके जाएंगे अच्छा जो वृंदावन गए हैं अब वो हाथ खड़ा करो जो सेवा कुंज गए हैं और निधिवन निधिवन में बहुत सारे लोग हैं बाजी तो आज भी वहां ठाकुर नित्य चमत्कार करते हैं कि आज भी वहां हमारे ठाकुर जी और राधा रानी लू जल का लोटा
दातुन, ये रोज रात्रि को मंदिर के किवाड़ बंद होने से पहले, दरवाजा बंद होने से पहले भगवान के लिए अंदर प्रसाद रूप में रखा जाता है। और जब सुबह 3:30 बजे पुजारी जी मंदिर का दरवाजा खोलते हैं तो दृश्य ऐसा होता है कि जो मंदिर की दीवारें हैं उसके ऊपर पान के बीड़े की पीक जो है थूकी होती है, और जल का लोटा जो है उसमें से पानी पिया होता है, आधा डुला होता है, लड्डू जो है उसमें से खाए होते हुए, और जो दातुन है उसको चबा करके फेंका होता है, जैसे हमारे ठाकुर जी नित्य प्रति करते हैं। तो ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं, प्रत्यक्ष दर्शन करके आया हूं, जहां आज भी वो मीडिया वाले पहुंच जाते हैं कैमरा लेकर के कि हम चेक करेंगे, यहां कुछ नहीं है, झूठ बोलते हैं। तो कैमरे लगा दिए गए कि सुबह चेक हो जाएगा कि कौन आया था रात्रि को जिसने ये सब किया, लेकिन अगर वो भगवान कैमरे में कैद होने लग जाए तो भगवान कहां से रह जाएं, वो ठाकुर कहां से रह जाएं। उनकी लीला अपरंपार है, सुबह कैमरे में कुछ नहीं आया लेकिन पान का बीड़ा जो था वो चबाया हुआ था और पीक दीवारों पर थी, दातुन जो थी वो चबाई हुई थी और फेंकी गई थी, लड्डू जो थे वो खाए हुए थे, जल का लोटा जो था वैसे ही आधे का आधा पिया हुआ था और थोड़ा जमीन पर गिरा हुआ था। तो ये लीला देख करके कोई भी अचंभित हो जाएगा। तो आज भी साक्षात मेरे ठाकुर और राधा रानी निधिवन और सेवा कुंज में नित्य प्रति रास मंडल के बाद वहां पर पहुंचते हैं। आइए कि सेवा कुंज निधि बन की सेवा, सेवा कुंज निधि बन की सेवा, सेवा कुंजियों ने वहां की कौन सी सेवा मांगी, झाड़ू। सुबह सुबह उठ करके वहां की गोसाइन जो हैं वो जाकर के झाड़ू सेवा करती हैं, उसको कहते हैं सोहनी सेवा। कौन सी सोहनी सेवा? तो उस सोहनी सेवा में हमें भी स्थान मिल जाए, हम भी जाकर के हे राधा रानी आपकी वहां सोहनी सेवा करें। और ये सोहनी सेवा राधे के जीवन जात करो, राधे के जीवन जात, सारा जीवन ऐसी सेवा हमें मिलती रहे तो ऐसी कृपा कर दो राधे स्वामिनी, कृपा करो राधे स्वामिनी, कृपा करो श्यामा लाडली, कृपा करो श्यामा लाडली, कृपा करो। कृपा करो राधे, हेलो, जो जो बोलेगा आज उस पर मेरी राधा रानी अवश्य कृपा करने यहाँ पधारेंगी, सच कह रहा हूँ। जो जो अपनी जीवा से कहेगा राधे स्वामिनी कृपा करो, राधे स्वामिनी कृपा करो, राधे कृपा करो, कृपा बोलिए राधे कृपा करो, कृपा करो श्यामा कृपा करो, कृपा करो श्यामा कृपा करो, कृपा